आज बनाते हैं गुजरात की ये फेमस रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कढ़ाई बन करके तैयार होती है, कम तेल से बनती है और इसे लंबे समय तक के लिए आप स्टोर कर सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना एक कप आप आटा डालिएगा, उसमें 2 चम्मच बेसन। अब बेसन की क्वांटिटी को बढ़ा के 1/4 कप भी कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा। थोड़ा सा नमक, अजवाइन को ना क्रश करके डाल रहे हो, आप जिस भी फ्लेवर के खाखरा बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और कसूरी मेथी का क्रश कर, अब कसूरी मेथी भी यहाँ पे ऑप्शनल है, मैं उसको फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च और थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा तेल मतलब 2-3 चम्मच तेल। अब देखिए तेल का यूज़ ना हम सेकते टाइम में से बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, तो अगर आपको क्रिस्पी बनाने हैं ना तो इसी टाइम में इसमें 2-3 चम्मच तेल डाल दीजिएगा। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसका ना रोटी के लिए जैसा हम आटा गूंथ के तैयार करते हैं उसे थोड़ा सख्त आटा गूंथ करके तैयार करेंगे, उसे थोड़ा टाइट टाइमिंग गूंथ के तैयार करेंगे। और उसके बाद ना उसे ढक दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए और हल्का सा 20-30 सेकेंड के लिए हल्का सा और जैसे गूंथ लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। अब हमें ना इसकी साइज़ क्या रखनी है, देखिए अब जो हम मार्केट से खाखरे ला के खाते हैं तो वो तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, एकदम पतले होते हैं, तो हम भी इसे पतला बेल करके तैयार करेंगे। बट इसे ना परफेक्ट गोल शेप देने के लिए आप इसे जिससे भी काटेंगे, आप मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा घर में ढक्कन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जिस भी साइज़ का ढक्कन है ना उसे उतना बड़ा बनाइए, टेस्ट तो आके सेम ही आएगा ना। तो इसे मेन बात है कि आपको पतला भी देखिए बेलना है, तो इसे आप काफ़ी पतला बेल करके तैयार कर लीजिएगा। परफेक्ट गोल आकार देने के लिए ढक्कन से या फिर किसी भी शार्प चीज़ से उसे आप कट कर लीजिएगा और इसे ना तवे पर डाल दीजिएगा। अब तवे पर ना आपको इसे लो फ्लेम में सेकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, लो फ्लेम से सेकना है और इसे ना 4-5 मिनट के लिए सेकना है, ठीक है, 4-5 मिनट के लिए ही सेकना है। इसे आप कपड़े से दबा दबा कर सेक सकते हैं या फिर कटोरी से भी दबा के सेक सकते हैं, मैं यहाँ पे कपड़े से भी आपको सेक के दिखाया। जो आलू मैशर होता है ना उससे भी मेन बात क्या है ना कि आपको इसे बस फूलने नहीं देना है, तो इसकी आपको ना जैसे बैलून फूलता है ना उसे बस फोड़ते रहना है ना, उसी तरीके से आपको कपड़े से दबा दबा के इसे फूलने नहीं देना है। तो दैट इज द की, फ्लेम को क्या रखनी है लो, तो चलिए आपको याद तो हो गया होगा सब कुछ। अब आप परफेक्ट खाखरा तो आई एम श्योर डेफिनेटली बना पाएंगे और गोल्डन ब्राउन फ्लोर जाएगा, मतलब खाखरा इज डन। उसके बाद ना आप दूसरा भी इसी तरीके से बनाइएगा, बट आप बेलते जाइएगा सीखते जाइएगा, बेलते जाइएगा सीखते जाइएगा, आराम से खाखरा बन करके हो जाएंगे तैयार। स्प्रिंकल करिए थोड़ा सा जलजीरा पाउडर या फिर चाट मसाला जो भी है वो स्प्रिंकल करिए, पाव भाजी फ्लेवर या फिर पानी पूरी फ्लेवर में भी इसे बना सकते हैं। अगर रेसिपी चाहनी हो ना तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। टिल देन टाटा, हैप्पी कुकिंग।